हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हो आप? आज है जन्माष्टमी का दिन, इसलिए सबसे पहले तो आपको जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मौसम आप देख सकते हो, शाम का ये टाइम है और बहुत प्यारा हो रखा है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। ये शाम का ही है, मैंने, मृदुल ने और शानवी ने खूब सारी मस्ती की है। हाँ, आवाज़ मेरी अच्छी नहीं आई होगी क्योंकि मुझे जुकाम हो रखा है, इसीलिए थोड़ा सा जैसे भी है। और हाँ, गाने के बोल भी आप ऐसा मत बोलिएगा कि ये सही नहीं है, क्योंकि हाँ, हम मस्ती ही कर रहे थे, इसीलिए फिर जो भी मेरे मुंह में आ रहा था, मतलब उसी तरह से हम गाना गा रहे थे। तो चलिए आप भी सुन लीजिए। हाँ, ऐसे करती है चुनरी भी आता है। हाँ, और मृदुल ना छोटी सी किसने फोड़ी थी? बड़े बच्चों ने। बड़े बच्चों ने फोड़ी थी? हाँ। और छोटों ने क्या किया? छोटों ने चिप डांस किया था। हाँ। ये वो देखो, वो लगी राधा तैयार हो रही। ओ राधा तेरी चुनरी, ओ राधा तेरा कंगना, ओ राधा तेरी अलखड़ नजरिया, ओ राधा तेरा झुमका, ओ राधा तेरा ठुमका, कि तेरे जैसा नहीं कोई होएगा। ओ राधा राधा दो पल जवानी है, ओ इतना ना घूम तू चक्कर आ जाएंगे, थोड़ा सा मचका दो इसे, जरा बता दो कि ये ना बन पाएगी राधा। मैया यशोदा ये तेरा कन्हैया, पनघट पे मोरी पकड़े है भैया, तंग मुझे करता है संग मेरे लड़ता है, राम जी की कृपा से मैं बची, राम जी की कृपा से, हाँ जी हाँ राम जी की कृपा से। मैया यशोदा ये तेरा कन्हैया, पनघट पे मोरी पकड़े है भैया, तंग मुझे करता है संग मेरे लड़ता है, राम जी की कृपा से, हाँ जी हाँ राम जी की कृपा से। छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी आई कोई परी, छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी आई कोई परी, पालने में ये यूही झूलती रहे, खुशबूदार गीत यही गाती रहे। छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी आई कोई परी, छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी आई कोई परी। और ये मॉर्निंग का है, मैं सैंडविच बना रही हूँ। आज फिर से माइक्रोवेव का ही टेस्ट हम कर रहे हैं कि अच्छे से बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे। तो सबसे पहले तो ब्राउन ब्रेड मैंने ये लिए हैं, केचप इनके ऊपर लगा लिया है, थोड़ा सा नमक भी डाल दिया है, साथ ही फिर ये कुछ वेजिटेबल्स इसके ऊपर हम लगा लेंगे, और प्याज मुझे बहुत पसंद है तो प्याज भी लगाऊंगी, थोड़े से ये एक टमाटर का पीस भी रखा है। थोड़ा थोड़ा मैं इस पर नमक स्प्रिंकल कर रही हूँ ताकि टेस्ट अच्छा बरकरार रहे, और ऊपर से फिर ये क्रीम मैंने इसमें ऐड कर ली है क्योंकि खूब क्रीमी सा खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो अब बस ये दूसरा ब्रेड भी इसके ऊपर मैं रख दूँगी, और इसी तरह से फिर सबके लिए एक एक सैंडविच मैंने बनाया है। तो पतिदेव साथ में, इसलिए मैं अभी डर नहीं रही हूँ इसको यूज़ करते हुए, अदरवाइज़ मैं इसको यूज़ करने में बहुत ज़्यादा डर रही हूँ कल की सी, जब से मतलब मेरी ट्रे टूटी है। तो बस जी, पतिदेव के हाथों में ही दिया ये कि आप ही लगाइए, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। और इसके बाद इन्होंने सेट कर दिया इसे ग्रिल मोड में, और इसके बाद अभी देखिए 10 मिनट बाद ये 5 मिनट मतलब एक साइड से 5 दूसरी साइड से लगाए हमने, और बहुत ही क्रिस्पी से ये सैंडविच बन के रेडी हो चुके हैं। मुझे तो बहुत ही टेस्टी लगे खाने में। और इसके बाद मैंने बताया था ना आपको, त्यौहार का दिन है, चूल्हे की मरम्मत मैंने की हुई थी,
और उसको जो उसके ऊपर मतलब पेंट जैसा लगाना था, गोलू हम बोलते हैं लोकल में, वही लेने के लिए हम जा रहे हैं। और ये देखिए खड्ड को पार करते हुए, मतलब कि यार ये ना खड्ड के साइड साइड में यहाँ पे मिलता है, तो सर्च करना पड़ता है कि कहाँ, जैसे क्योंकि आजकल बरसात में जो इसकी खान होती है ना वो बंद हो गई होती है, तो इसीलिए फिर मैं भी जा रही हूँ ये सर्च करते हुए। तो ये देखिए अभी किनारे पे मुझे इस तरह से मिला ये थोड़ा सा, लेकिन इसमें भी अभी देखना पड़ता है क्योंकि वो चिकना सा होता है काफ़ी, वही चीज़ हमें निकालनी होती है। और बाकी फिर ये कलर तो ऐसा ही होता है, लेकिन हाँ बहुत चिकना जैसा होता है, तो वही चीज़ अब मैं खोद खोद के निकालूंगी। तो जैसे ही मुझे ये चिकना सा पीस मिल जाएगा वो मैं अपने पास रखती रहूँगी और बाकी इसी तरह से खुदाई करती रहूँगी। तो ये गोलू लेके अब हम पहुंच गए हैं घर पे, और अभी देखिए कि इसका मैंने ये जैसे चूना घोलते हैं ना या कोई भी पेंट वगैरह लगाते हैं घर में, बस उसी तरह से इसको भी घोल लिया और चूल्हे पे इसका लेप मैं चढ़ा दूंगी। अभी तो ये आपको इस तरीके का कलर लग रहा है, लेकिन जब ये सूख जाता है ना तो ये एकदम हल्का सा ब्लू जैसा कलर ये देता है, मतलब वाइट ही होता है, जैसे हम उसमें फिर इंक डाल देते हैं तो फिर वो थोड़ा हल्का ब्लूइश हो जाता है, उसी तरह का ये फिर कलर हो जाता है और बहुत ही प्यारा लगता है देखने में। और ये ना बहुत पुराने टाइम की चीज़ है, तो मैंने घर में दादी को देखा था मम्मी को इस तरह से करते हुए, तो मैंने भी फर्स्ट टाइम ही ये एक्सपेरिमेंट किया है, क्योंकि इससे पहले मैंने भी चूल्हे की मुरम्मत नहीं की थी और बहुत कम ही खाना बनाते हैं हम चूल्हे में, क्योंकि लकड़ियों की समस्या रहती है यहाँ पे। हाँ जब हो जाता है जुगाड़ कभी सर्दियों में तो मैं बना लेती हूँ। तो हाँ इसको देख के आपको पुराना ज़माना ज़रूर याद आ सकता है। और इसके बाद अब तैयारी करते हैं खाने की। तो सबसे पहले तो मैं ये धनिए के लड्डू बना रही हूँ। हाँ व्रत मैंने आज नहीं किया है क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए नहीं किया है, और काफ़ी टाइम से मैंने नहीं किए हैं ये व्रत, जब से मतलब प्रेगनेंसी का टाइम मेरा स्टार्ट हुआ था। तो और कैसे कैसे बना रही हूँ, पहले तो मैंने ये सभी ड्राई फ्रूट्स रोस्ट कर लिए, उसके बाद फिर ये धनिया ग्राइंड करके इसको भी हम अच्छे से भून लेंगे और फिर चाशनी तैयार करेंगे और उस चाशनी को इसमें डाल देंगे, साथ ही सारे जो ड्राई फ्रूट्स हमने रोस्ट किए हैं उनको भी डाल देंगे। बस ये फिर थोड़ी सी देर चला लेंगे जब तक चाशनी सूखती नहीं है, फिर बाद में इसको लड्डू की शेप दे देंगे। और इसके बाद फिर मैं बना रही हूँ छोले, और छोले बनाने के लिए अपना वही पुराना कुकिंग का तरीका यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मैंने व्रत किया नहीं है इसलिए आज मैं ये प्याज का भी यूज़ कर रही हूँ। और बस सूखे मसाले पहले मैंने इसमें ऑयल में डाल दिए हैं, बाद में ये चॉप्ड अनियन, इनको भी अच्छे तरह से फिर पकने देंगे जब तक ये हल्के ब्राउन कलर के ना हो जाएं। और हाँ आपने बोला था ना कि वुडन की ही ये कड़छी यूज़ करनी चाहिए, यार टाइम ही नहीं लगा मुझे मार्केट से ये चीज़ें लाने में, तो अभी आज के लिए फिर से इसी का इस्तेमाल कर रही हूँ। और अभी फिर ये हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और बाकी मसाले इसमें मैं ऐड कर लूँगी। ये मैं सब कुछ प्याज के साथ ही इसलिए भूनती हूँ क्योंकि ये तभी अच्छा टेस्ट देते हैं, अगर बाद में हल्दी और ये चीज़ें डालें ना तो थोड़ी सी महक अजीब सी आती है, इस तरह से बहुत अच्छा रहता है, अच्छी तरह से ये पक भी जाते हैं ऑयल में। तो आप बोलते हो ना कि मैं हमेशा ही यही तरीका क्यों फॉलो करती हूँ, इसलिए करती हूँ क्योंकि दूसरा तरीका फिर मुझे अच्छा नहीं लगता और फिर क्या फ़ायदा अगर अच्छी महक ना आए तो। और इसके बाद फिर ये टमाटर मैं यूज़ करती हूँ ग्राइंड किए हुए, इससे ग्रेवी अच्छी बन जाती है, इसलिए हमेशा ही इसी तरह से मैं यूज़ करती हूँ। टमाटर को ग्राइंड इसलिए नहीं किया क्योंकि बहुत ज़्यादा भी ग्रेवी मुझे नहीं चाहिए। और बस अब इसमें ये नमक डाल दिया है और अब डाल दूंगी इसके अंदर छोले। छोले मैंने ओवरनाइट भिगोने के लिए रखे हुए थे और माइक्रोवेव में ही आज मैंने इन्हें बॉईल किया है। हाँ मतलब कि मैं लग गई अब माइक्रोवेव का यूज़ करने, अदरवाइज़ मुझे थोड़ा सा मतलब हो रहा था कि कैसे क्या हो जाता है ना कभी स्टार्टिंग में, थोड़ा डर भी जब इस तरह से हाथ से होने लगे तो। और फिर ये आलू भी मैंने माइक्रोवेव में ही बॉईल किए, हाँ थोड़ा सा मतलब ये जब मैं तड़का लगा रही थी तो इनको रख दिया था इसलिए एंड में डाल रही हूँ, अदरवाइज़ मैं इन्हें पहले डालती हूँ, पर उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और देखिए लाजवाब छोले बन के रेडी हो चुके हैं। और इसके बाद मैं ये तैयार कर रही हूँ गुजिया के लिए आटा, इसमें मैंने थोड़ी सी मीठी सौंफ, थोड़ी सी चीनी और ऑयल और थोड़ा सा ईस्ट ऐड कर लिया है, अच्छी तरह से इसको मिक्सअप कर लूँगी
क्योंकि मुझे थोड़ी सी ही बनानी है इसलिए आटा भी थोड़ा ही लिया है और दूध के साथ मैं इसे गूंथ रही हूँ। बहुत ही अच्छा सा डो हम बनके सॉफ्ट जैसा तैयार कर लेंगे। और साथ ही मैं बना रही हूँ कचौरियाँ भी, तो कचौरियाँ बनाने के लिए आलू मैंने लिए हैं और साथ में ये थोड़ा सा कसूरी मेथी डाल दी है और थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ा सा नमक और ऑयल हम इसमें ऐड कर लेंगे। मैंने देसी घी ही ऐड किया है। तो ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्सअप कर लेंगे। घी डालने का ये फ़ायदा है कि अच्छी सी कचौरियाँ क्रिस्पी जैसी बनेंगी। और फिर इनको मैं मिक्स कर लूँगी। आलू को भी मैंने पहले मैश नहीं किया है इसलिए अभी इनको अच्छे से फिर आटे में मिलाते हुए मैश कर लूँगी और फिर मैं इसे गूंथ लूँगी, अच्छा डो तैयार कर लूँगी सॉफ्ट जैसा। और ये देखिए अभी गुजिया बनाने के लिए मैंने स्टफिंग रेडी कर ली हूँ। तो देसी घी मैंने लिया है और थोड़ी सी सूजी इसमें ऐड कर ली है। इसको अच्छी तरह से मैं भून लूँगी और फिर ये ड्राई फ्रूट्स आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग जितने भी चाहते हो वो ऐड अप कर सकते हो। और अब इन्हें भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब फिर ये अच्छे से ब्राउन कलर के हो जाएं, कम आंच पे ही मैं इन्हें भून रही हूँ। और फिर ये चीनी भी इसमें ऐड कर ली है, पहले भी मैंने डाली थी इसलिए थोड़ा कम ही यहाँ पे रखी है। और अब मेरा आटा भी बनके रेडी हो चुका है तो अब मैं गुजिया बना लूँगी। तो गुजिया बनाने के लिए बहुत ही छोटे छोटे से मैंने ये बॉल्स लिए हैं आटे के। तो अब मैं इन्हें बेल लूँगी और जो स्टफिंग तैयार की है उसे मैं इसमें ऐड कर लूँगी। मैं यहाँ पे जो ठप्पा मिलता है ना बाज़ार में गुजिया बनाने वाला, वो नहीं यूज़ कर रही हूँ, मैं इन्हें हाथ से ही बनाऊँगी। हाथ से भी आप अच्छा डिज़ाइन डाल सकते हो। तो ये देखिए मैंने स्टफिंग भर ली है और आप अपने साइज़ के जितनी आपको बड़ी या छोटी गुजिया चाहिए उतनी आप बना सकते हो। पहले तो मैंने इसको अच्छी तरीके से चारों तरफ से सील कर लिया और फिर ये देखिए हाथ से ही इस तरह से ये क्रिएट कर लिया। तो ये थोड़ा सा डिज़ाइन बन जाता है और देखने में भी अट्रैक्टिव लगती है। तो इस तरह से मैं सारी गुजिया रेडी कर लूँगी और साथ ही मैं ये कचौरियाँ भी इसी तरीके से पहले ही बना लूँगी। ये मैं पहले ही इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे इन्हें फ्राई करना है चूल्हे पर। तो ये एक ट्रेडिशनल मेथड है, बहुत पहले मेरी दादी भी इस तरह से बनाती थी। वो क्या करते थे कि इस तरह से सारी रोटियां बेढ़ुआ बनाते थे, मतलब कि कचौरियां दाल वाली, तो उनको पहले इस तरह से पहले रेडी कर लेते थे सारे। बेलन का इस्तेमाल नहीं करते हैं यहाँ पे, हाथ से ही ये बहुत अच्छे तरीके, क्योंकि नरम होता है आटा बहुत, तो इजीली फैल जाता है जितना बड़ी आप कचौरी बनाना चाहें। तो इसी तरीके से फिर सारी की सारी जो भी रोटियां होती थी उनको इस तरह साफ़ कपड़े पे रख लेते थे और फिर थोड़ी थोड़ी निकाल के उनको फ्राई कर लेते थे। तो अभी मैं भी वही वाला पुराने ज़माने वाला मेथड यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने भी ये सारी एक साथ बना के रख ली और ज़रूरत के अकॉर्डिंग फिर प्लेट में लेती रहूँगी दो तीन तीन और उनको फिर इस तरह से चूल्हे पे फ्राई करती रहूँगी। तो चूल्हे पे फ्राई करने का देखिए क्या है कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है एक तो, और दूसरा कि आप आग जितने ज़्यादा और कम कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। अगर आपको बहुत डीप फ्राई करना है तो आप एकदम कम आँच पे इसे बना सकते हो और टेस्ट में भी बहुत अच्छी आती है और ट्रेडिशनल मेथड है। तो देखिए किस तरह से आग पे बनाया जाता है खाना। तो ज़रूरी नहीं है कि मॉडर्न चीज़ें हैं सारी तो वैसे ही हमें चलना है। हाँ, कभी कभी बहुत अच्छा लगता है। इवन मैं बात बताऊँ तो मुझे बहुत क्यूट सा लग रहा था, इस तरह से मुझे वही वाला अपनी दादी वाला ज़माना याद आ गया। हाँ, बनाती तो मम्मा भी हैं चूल्हे पे, मैक्सिमम हम मेरे मायके में खाना चूल्हे पे ही बनाया जाता है, लेकिन हाँ इस तरह से नहीं बनाते वो भी कि हाँ सारी रोटियां पहले ही तैयार करके रख ली फिर बाद में फ्राई करेंगे। तो मतलब इस वजह से फिर ये थोड़ा ज़्यादा पुराना वाला टाइम याद आ रहा है मुझे आज। और हाँ, त्यौहार के टाइम पे इस तरह से फिर और भी अच्छा लगता है चूल्हे पे खाना बनाना। बोलते हैं कि बरकत बहुत होती है इस तरीके से। तो चलिए, बरकत होती है नहीं वो खाती बार ही पता चलेगा। और हाँ, डीप फ्राई करने के लिए फिर इस तरह से मैंने एकदम कम कर रखी हैं लकड़ियाँ। तो इस तरीके से कचौरियाँ भी और जो गुजिया हमने बनाई है वो भी। तो अब आप देख सकते हो कि बन के रेडी है मेरी त्यौहार की स्पेशल थाली, चूल्हे पे बनी है इसलिए बहुत टेस्टी है। हाँ, सारी आइटम चूल्हे पे नहीं बनी है लेकिन जो जो बनी है। तो क्या क्या है मेरी इस थाली में वो भी मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। ये कचौरी है और साथ में ये छोले, सब्जी है बैंगन और आलू के मिक्स, रायता है, चावल है, लड्डू है, साथ में है गुजिया।
तो आई होप आपको अच्छी लगी हो मेरी थाली। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इसके बाद फिर देखिए आज मेरे कान्हा को कैसे सजधज रहा है मेरा कान्हा। तो मैं इसको अभी धोती पहना रही हूँ, इस तरह से ये ट्रेडिशनल धोती ना बहुत ही अच्छी लगती है। तो मैं हर साल ही मिठू को इसी तरह से रेडी करती हूँ और ये इसी के माप की धोती भी मैंने रखी हुई है। तो धोती पहनाने के लिए जैसा कि आपने वीडियो में देखा, पहले मैंने इसको वाइंड अप कर लिया और अभी देखिए जैसे साड़ी में प्लीट्स बनाते हैं एक साइड की, मैंने वैसे ही प्लीट्स बना के इसको अंदर ग्रिप कर लिया है। और जो सेकंड जो पार्ट इसका बच गया, इसको फिर हम इस तरीके से नीचे से लेके जाएंगे और पीछे की साइड को फिर इसी तरह से ग्रिप कर लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से। तो अगर ज़्यादा लंबी है तो आप फिर से इसकी प्लीट्स बना सकते हो और अदरवाइज़ इसी तरह से हम इसको डाल लेंगे। और जो ये देखिए फिर ये जो इसका साइड में बॉर्डर जैसा है ना, तो प्लीट्स बनाने के बाद फिर ये बॉर्डर भी बहुत ही अच्छे तरीके से फिर साफ जैसा दिखाई देगा। तो अभी धोती पहन ली है, ये देखिए बहुत ही प्यारा लग रहा है। और इसके बाद फिर आप ज्वेलरी वगैरह जो भी डालना चाहें बच्चे को वो ऐड कर सकते हैं, लेकिन बच्चे बहुत चंचल होते हैं, कुछ इस तरह से ज़्यादा दिखने नहीं देते। खासकर मेरा मृदुल तो बिल्कुल भी नहीं इस तरह से कुछ भी इसको पहनाए नहीं दिखने देता, इसलिए मैंने बहुत ही कम ही ये ज्वेलरी डाली है इसको। बस ये गले में माला डाल दी है और बस एक फिर इसको ये मुकुट लगा दिया, साथ में ये नज़र का काला टीका भी लगा दिया और साथ में रेडी हो गई है मेरी शानवी राधा बनके। और शानवी बहुत क्यूट लग रही है आज। तो बस जी अभी देखो आप दोनों भाई बहन किस तरह से रेडी हो के, मृदुल तो मान ही नहीं रहा है, साइड पोज कभी कुछ कभी कुछ। तो ये झूला भी मैंने इनके लिए ही इस तरह से बनाया है गेट पे ही, और बस इनको फिर इस तरह से थोड़ी सी देर, भाई कान्हा है बनाया है तो थोड़ा सा कान्हा की तरह ही इंजॉय तो करना बनता ही है। और साथ में देखिए मेरी शानवी कितनी प्यारी लग रही है। तो बस अब मृदुल की बारी हो गई, अब शानवी की बारी आएगी झूले पे बैठने की। तो बच्चों को बहुत ही क्यूट लगती है इस तरह की चीज़ें और मुझे भी बहुत ही क्यूट लगती है इस तरह से। हर साल ही मैं इनको इस तरह से सजाती हूँ तो पूरा दिन बस हमारा ऐसे ही निकल जाता है त्यौहार में। और इसके बाद फिर शाम को हम जाते हैं मंदिर। और आप बोलते हो ना कि बंदर, ये देखिए बंदरों ने आज बहुत ही मज़े से मेरे गार्डन में लगे हुए सारे अनार खाए हैं बैठ के, बहुत उत्पात मचा के रखते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार।